सो फाइनली गाइस, यहाँ पर यूपी में फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण को लेकर के डीजी शक्ति नाम का एक पोर्टल बनाया गया था, जिसके माध्यम से यहाँ पर सारा जो है स्टूडेंट का डाटा कॉलेजों के माध्यम से उसमें ऑनलाइन फीडिंग का प्रक्रिया चलाया गया था और अभी भी वो चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमने दे रखा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में आपको कुछ जानकारी बताएंगे और साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर 25 तारीख को जो है यहाँ पर यूपी में जो फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण होगा उनमें स्टूडेंट को पहुँचने के लिए क्या करना होगा, अब आपको इसमें जो है किस तरीके से जानकारी हासिल करनी होगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, हो सकता है कि यहाँ पर आपके लिए ये जानकारी काफ़ी अच्छी हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाए, साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लें। हर एक प्रकार की वीडियो तथा दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ फाइल में आप सभी को टेलीग्राम माध्यम से प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो सरकार ने छात्रों की परेशानी को देखते हुए फैसला किया है कि पंजीकरण से लेकर स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण तक पूरी व्यवस्था फ्री होगी। छात्रों का डाटा जो है यहाँ पर कॉलेजों की ओर से यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही छात्रों की डेटा फीडिंग हो रही है। सोमवार तक करीब जो है 27 लाख छात्रों का डेटा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। शेष अन्य छात्रों के डेटा जो है फीडिंग की प्रक्रिया अभी भी चालू है। तो फाइनली गाइज, यहाँ पर आपको डीजी शक्ति पोर्टल का ऑफिशियल पोर्टल यहाँ पर ओपन करके हमने रख लिया, इसे दिखा भी देते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है digishakti.up.in उसके बाद /app करके, तो यहाँ पे देखिए इंटरफेस इसका कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत युवाओं की तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण योजना 21 और 22। और दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया है इसमें लॉगिन करने की प्रक्रिया को लेकर के। पर दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आप यूजर टाइप में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि ACSIID, उसके बाद यूपी डेस्को इंस्पेक्शन टीम, या फिर डिपार्टमेंट, या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर यूनिवर्सिटी बोर्ड, सोसाइटी काउंसलिंग, या फिर कॉलेज इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी कैंपस ट्रेनिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कमिश्नर, या फिर सप्लायर ही इसमें जो है लॉगिन कर सकते हैं। इन्हीं के पास इसकी ऑफिशियल आईडी और पासवर्ड दी गई है, हम आम स्टूडेंट इसमें लॉगिन नहीं कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको यहां पर बीच में इंस्ट्रक्शन करके एक ऑप्शन शो हो रहा होगा ब्लिंकर के, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर देखिए आपको पीडीएफ नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। इस पर हिंदी में, इंग्लिश में आप पीडीएफ नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। देखिए नोटिफिकेशन में बताया क्या, तो इस पीडीएफ में सिर्फ लॉगिन करने का प्रोसेस ही बताया गया है और इसमें देखिए लॉगिन वही कर सकते हैं उपयुक्त प्रकार के जो यहाँ पर चयन अधिकारी हैं, जैसे कि अपर मुख्य सचिव हो, यूपी डेस्को का कोई अधिकारी हो, यहाँ पर विभाग की हुई कोई, या जिला प्रशासन या विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय। तो उपयुक्त प्रकार का चयन करने के पश्चात संबंधित फील्डों में यूजर आईडी पासवर्ड व कैप्चर भरें एवं तदउपरांत जो है साइन इन बटन पर क्लिक करें। उसके बाद उपयोक्ता को उन संबंधित डैशबोर्ड पर हस्तांतरित कर दिया जाएगा और लॉगिन के पश्चात उपयोक्ता को सॉफ्टवेयर संचालन प्रक्रिया प्रदर्शित होगी। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ यही नोटिफिकेशन किया, वो भी सिर्फ कॉलेजों इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटियों को इसका पासवर्ड दिया गया है स्टूडेंट का डाटा फीड करने के लिए। पर दोस्तों अब आपको यहां पर करना क्या है, अब यहां पर आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप जो है 25 तारीख से पहले अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी में विजिट करें, क्योंकि दोस्तों यहां पर 25 तारीख से लेकर के छुट्टियां भी स्टार्ट हो जाएंगी। 25 तारीख को वैसे भी यहाँ पर क्रिसमस डे है और अन्य भी यहाँ पर कुछ डेट वगैरह है जिसके वजह से इसमें छुट्टियां निर्धारित की गई हैं। इसलिए आप लोग जो है आज से ही, या फिर दोस्तों आपको 25 तारीख के पहले पहले अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी में जो है विजिट करना है और वहां पर इसके बारे में दोस्तों आपको फुल जानकारी ले लेनी है, क्योंकि हर एक कॉलेजों में दोस्तों यूनिवर्सिटी के माध्यम से जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हुए हैं जिनको स्मार्टफोन व टैबलेट वितरण दिया जाएगा, उन सभी की लिस्ट जो है हर एक कॉलेजों में सबसे पहले जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उनका जो है आना स्टार्ट हो गया है। तो हो सकता है कि आपका भी जो है कॉलेज में लिस्ट आ गया हो और आप अपने कॉलेज के थ्रू उसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आपको कॉलेज के माध्यम से ही बताया जाएगा दोस्तों कि किस तरीके से आपको लखनऊ विजिट करना होगा, या फिर आपके कॉलेजों के माध्यम से ही हो सकता है कि आपका एक बैच ही जाए लखनऊ को विजिट करे, जहां पर जो है अटल बिहारी जो एक स्टेडियम है उसके अंतर्गत वहां पर आपको माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा फ्री टैबलेट स्मार्टफोन वितरण दिया जाएगा। सो दोस्तों आप लोग इतना करें तुरंत अभी कि आप लोग अपने कॉलेज में विजिट करें और टैबलेट लिस्ट के बारे में पूछताछ करें, अगर इसके बारे में वहां पर कोई जानकारी मिलती है, आप उसमें सिलेक्टेड हुए हैं तो उनके पास पूरी जानकारी आ चुकी है ऑलरेडी,
वही लोग आपको सही जानकारी वहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों आपको यूट्यूब पर कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको कई कॉलेजों के जो है लिस्ट स्क्रीनशॉट देखने को मिल सकते हैं, तो वही एक दोस्तों जरिया है। तो वो हर एक कॉलेज के अलग अलग स्क्रीनशॉट होते हैं, क्योंकि हर एक विद्यालय के स्टूडेंट कोई जाते हैं अपने कॉलेज में पता करने, तो वो मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो वही चीज़ जो है यूट्यूब पर डाल रहे हैं। तो आपको जो है इसमें आप खुद से पता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खुद से लॉगिन करने का कोई भी जरिया नहीं दिया गया है। आशा करो दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, नई जगह तब तक जय हिंद।